पौड़ी में शिक्षकों ने प्रधानाचार्य पदों की विभागीय सीधी भर्ती के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई, तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। लगातार अनदेखी कर रही है। हमारी एक सूत्रीय मांग है जो आंदोलन है कि जितने भी हमारे हेडमास्टर और प्रधानाचार्य के पद हैं उन पर 100% पदोन्नति है। सरकार ने एक आजकल हाल ही में एक नियमावली लाई है सीधी भर्ती नामक, जो रोलेट एक्ट की तरह एकदम काला कानून है और शिक्षकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उसके विरोध में हमारा पूरा शिक्षक सड़कों पर उतरने को मजबूरन है और पूरे प्रदेश के हरेक जिले के मुख्यालय में आज इसी तरह शिक्षकों का सैलाब उमड़ा हुआ है और आज जनपद मुख्यालय पौड़ी के भी यहाँ पर हजारों शिक्षक आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर उमड़ कर आए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी सरकार इसी तरह से आंदोलनरत रहेगी। जेआईसी अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कोठली में शिक्षकों की कमी के खिलाफ 5 दिनों से धरना दे रहे अभिभावकों और क्षेत्रवासियों का सब्र जवाब दे गया। शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह 10 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अगर हम गोपेश्वर में आएंगे तीराधारी वहाँ पर घेराव करेंगे तो आप ही कब निवार का बदनाम हमारे इतने बच्चे कोई धैर्य खा रहा कोई फांसी खा रहे पेपर दे रहे हमारे बच्चे कैसे नहीं निकल तुम्हारे बच्चे अपहरण भी कर रहे लड़कियों के नेता लोगों के उनको माफ है हम गरीबों के लिए फांसी है हम गरीबों के लिए कोई नहीं दे। जनपद चमोली के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह को देहरादून में नए पद पर भेजे जाने पर विकास भवन में भावभीनी विदाई दी गई। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और अन्य अधिकारियों ने उनकी सेवाओं की सराहना की। अभिनव शाह ने जनपद चमोली के लोगों और अधिकारियों का आभार जताया। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के मर्डर के मामले में नया मोड़ आया है। मोहिनी के पति विजतेंद्र तोमर ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मास्टरमाइंड समेत आधा दर्जन अधिवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आरोप लगाया कि यह पुलिस की साजिश है। वो तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक मोहिनी के मर्डर के सही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। कि जो हमारी महिला अधिवक्ता की निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है वो शुरू से ही संदिग्ध रही। पुलिस ने कोई ऐसा तत्परता नहीं दिखाई कि उसको बरामद करने की कोशिश की जाती। उसके बाद वकीलों को गुमराह करते हुए उन्होंने एक FIR उसके पति से लिखवा ली है। कैसे लिखवाई, किस दबाव में लिखवाई कोई नहीं जानता। अधिवक्ताओं को हमारे कोई जानकारी नहीं है। उन्नाव में जिला अस्पताल और CHC PHC में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 28 रिटायर्ड फौजियों को तैनात किया गया है। इनमें 14 गार्ड महिला अस्पताल और 7 पुरुष अस्पताल में तैनात है, जबकि शेष 7 गार्ड जल्दी जुड़ेंगे। ये कदम कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए हमले के बाद उठाया गया है। इटावा में भाजपा नेता शिव प्रताप राजपूत और दीपू शर्मा को 2015 के अपहरण और मर्डर के मामले में आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा जिला और सत्र न्यायालय ने दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील शिव कुमार शुक्ला और अवनेश यादव ने पैरवी की। बाराबंकी के नसीमपुर गांव में जंगली जानवर ने सड़क किनारे बंधे गाय के बच्चे पर हमला कर दिया। वन विभाग और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्या के मामले में अधिवक्ताओं में गुस्सा बढ़ गया है। 3 सितंबर को न्यायालय के गेट से लापता हुई मोहिनी का शव 4 सितंबर को गोराहा नहर में मिला। उनके पति विजेंद्र तोमर ने क्रिमिनल वकील समेत आधा दर्जन वकीलों पर FIR दर्ज कराई। अधिवक्ता न्याय के लिए आज भी बैठक कर रहे हैं और जल्दी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हरदोई में बाइक की टक्कर से कक्षा 4 की छात्रा की मौत हो गई। स्कूल से पढ़कर घर जा रही थी छात्रा, मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नाथद्वारा के एक निजी होटल में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं समाज सेवियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इस मौके पर कुभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, जिला अध्यक्ष मान सिंह बाराहट और पद्मश्री से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल भी मौजूद रहे। जिला जालौर पाली रेंज के DIG प्रदीप मोहन शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक की, साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के अधिकारियों को निर्देश दिए।